इतने महंगे फोन होने के बावजूद भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा भाई, पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे ओप्पो रेनो 10 स्मार्टफोन को रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है, मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना भाई, कि देखने में लगे हाँ यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब तो आप इन दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि कर्व डिस्प्ले तो हमें दोनों फोन्स के अंदर मिल रही है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओप्पो का फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि कलर OS 13.1 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि रियलमी UI 4.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं, भी अच्छी बात है। लेकिन यार जो दोनों फोन की UI है ना भाई, ब्लोटवेयर तो आपको मिलने ही मिलने हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक और जरूरी बात दोस्तों, जो रियलमी UI 4.0 है ना भाई, अपने ब्लोटवेयर और एड्स के लिए आजकल मशहूर हो रखी है, ये हाल है इनके। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 7050 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में चिपसेट एकदम बढ़िया है। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे ओप्पो की, तो इस उनका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन का मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं भाई, अच्छी फोटोज और वीडियोस आप दोनों फोन के कैमरा सेटअप से क्लिक कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार अगर आपको और भी ज्यादा अच्छी फोटो वीडियो बनानी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली ओप्पो की जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 64 मेगापिक्सल का बढ़िया वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। साथ ही यार इस फोन के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा है, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। लेकिन यार यहां पर वीडियो स्टेबलाइजेशन में फर्क है, क्योंकि ओप्पो का फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो बनानी है ना भाई, तो रियलमी की तरफ ही जरूर से जाइए, इन्होंने तो यार कटिंग कर दिया यहां पर, पैसा बर्बाद। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है भाई, सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। और अगर हम बात करें फास्ट चार्जिंग की, तो ओप्पो का फोन 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों फास्ट चार्जिंग का ज्यादा चाहिए ना भाई, तो रियलमी की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि ओप्पो फोन के 8+256GB वेरिएंट के अप्रॉक्स प्राइसिंग है 30,000 पे, वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 28,000 पे। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई, वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों 28,000 पे खर्च करके आप रियलमी का ये फोन लोगे, लेकिन जो एड्स आपको फोन के अंदर अननेसेसरी देखने को मिलेंगे ना भाई, फोन चलाने का सारा मजा आपका खराब कर देंगे। इसलिए दोस्तों आपको यहां पर ओप्पो रेनो की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।